नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बनाएंगे चाप, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही जायकेदार, बिल्कुल एकदम नॉन वेज तरीके से। देखिए, इस चाप को हमने हल्दी के पानी में उबाल लिया है। ये उबल के एकदम बढ़िया सॉफ्ट सी हो गई हैं। अब इसको हम इस सरसों के तेल में फ्राई करेंगे। तेल हमने गरम करने को चढ़ा दिया है, तेल गरम हो रहा है हमारा। जब तक तेल गरम ना हो जाए तब तक हम चाप को नहीं डालेंगे, क्योंकि ये मैंने सरसों का तेल लिया है। सरसों का तेल को चलाना पड़ता है हमको, जब तक वो चलेगा नहीं तब तक अच्छा नहीं स्वाद आएगा। और हम आपको बाकी की चीज दिखाते हैं जो हमने लिए, जैसे कि ये सिर्फ नॉर्मली मसाले रहते हैं। ये दही लिया है हमने लगभग लगभग 200 ग्राम, और ये कुछ खड़े मसाले हैं, और ये लच्छेदार प्याज है, और इस प्याज को मैंने पीस भी लिया है थोड़ा सा हरी मिर्च के साथ, और ये मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, दो डालेंगे इसमें हम लगभग, और ये चिकन मसाला। कुछ नहीं होता है इसमें, सिर्फ मसाला होता है, जैसे कि लोग कहते हैं लोग कि इसमें चिकन वगैरह होता है, नहीं, सिर्फ ओनली चिकन मसाला होता है, और ये खड़ा मसाला, और थोड़ी सी हम लेंगे लास्ट में कसूरी मेथी। अब थोड़ी देर आप रुकिए, अब इस चाप को हम धीरे धीरे कर कर डालेंगे, आराम से डालेंगे, और गैस को हम मध्यम लो पर रखेंगे। क्योंकि हमने इसको पानी में उबाला था तो इसके अंदर पानी की मात्रा रहती है, तो तेल में जाएगा तो स्वाभाविक है कि उठेगा, तो हमें इसको आराम से फ्राई कर लेना है जब तक ये सुनहरा ना हो जाए। माफ कीजिएगा, मैं जरा थोड़ा खटलाता हूँ, अगर मुझे आप लोगों को थोड़ा कष्ट हो सुनने में तो मुझे इस चीज़ के लिए खेद है, क्षमा करें। हम इसको अब ये सारी चाप को हम फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद आपसे हम दोबारा मिलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये चाप को हमने अच्छे तरीके से कर लिया है, हमने इनको फ्राई, और ये बढ़िया क्रिस्पी हो गए हैं, जैसे कि आप इनकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। देखिए देखिए, ये अच्छे तरीके से हो चुके हैं क्रिस्पी। अब हम करते हैं ग्रेवी की तैयारी। ये रहे हमारे गरम मसाले, खड़े गरम मसाले। अब इसको हम अपने कढ़ाई में डालेंगे। देखिए आप थोड़ा ध्यान से, और गैस रहेगी अपनी बिल्कुल लो फ्लेम पर। मसालों को हमें छलाना नहीं है, जो उसका नेचुरल फ्लेवर है, सिर्फ हमको वो लेके आना है तेल के अंदर। अब ये प्याज है हमारी, लच्छेदार प्याज है, लच्छेदार, इसको हम डालेंगे। क्योंकि जिस प्याज को हम इसलिए डाल रहे हैं, इस प्याज से क्या है, थोड़ा क्या टेक्सचर आता है, प्याज में आती है तो एक अच्छा स्वाद आता है। अब इसको हम डालेंगे। देखिए हम लोग से छान लिया है प्याज को, और इस प्याज को हम सुनहरा होने तक इसको हम भून लेंगे। ये देखिए दोस्तों, प्याज को हमने सुनहरा कर लिया है,
अब हम इस स्टेज पर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, एक अभी, और एक प्याज का जो हम को डालेंगे पेस्ट, उसके बाद डालेंगे। अब इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। मैं बिल्कुल नॉन वेज तरीके से बना रहा हूँ और मुझे यकीन है आप इस जिसको आप खाएंगे तो आप जरूर कहेंगे कि नॉन वेज से अच्छा तो यही है, नॉन वेज खाना आप पक्का भूल जाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये रहा हमारा प्याज का पेस्ट और हरी मिर्च का। अब इसको हम इसमें डालेंगे इस स्टेज पर। देखिए अच्छे तरीके से हम इसको भून लेंगे प्याज को। इसमें थोड़ा पानी मिलाकर बाकी की प्याज को हम और डाल लेंगे। अब इसको हमें अच्छे तरीके से स्टर करना है, चलाना है। अब हम मिलते हैं आपको इसको भूनने के बाद। ये बात आप ध्यान रखना, मसाला जितना अच्छा भुनेगा उतना ही अच्छा फ्लेवर मिलेगा सब्जी में देखने को। अब हम इस स्टेज पर एक बार अदरक लहसुन का पेस्ट और डालेंगे। इससे अदरक लहसुन के पेस्ट से बहुत ही अच्छा जायका हमको देखने को मिलता है, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है और बहुत ही अच्छी सुगंध आती है। आप महसूस नहीं कर रहे होंगे कि इस वक्त कितनी सुंदर महक मेरे को आ रही है। अब हम इसको भून लेंगे थोड़ी देर। और ये है हमारा टमाटर का पेस्ट जो हमने अभी पीसा है इसको, और मतलब प्यूरी बना ली हमने इसकी। अब थोड़ा हम प्याज को और भूनेंगे, उसके बाद आपसे हम दोबारा मिलते हैं टमाटर की प्यूरी के साथ। फिर देखिए दोस्तों, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का प्यूरी। उसको हम चलाएंगे और इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसको मध्यम आंच पर इसको हम भूनेंगे। फिर देखिए हमने इसको भून लिया है। अब हम डालेंगे थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया 2 से 3 चम्मच। मसालों की इसमें आपको कमी नहीं रखना है क्योंकि नॉन वेज सब भी बनता है तो मसाला तो अच्छी तरीके से डालना ही पड़ता है। थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी देर बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च क्योंकि उसकी रंगत जो है सुभान अल्लाह। अब इसको हम थोड़ी देर और। ये रहा हमारा चिकन मसाला, थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम बस। इसको हम और अच्छी तरीके से चलाएंगे। अब थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, ये 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च बस। इसको हम चलाएंगे। अब ये रहा दही हमारा, अब हम डालेंगे दही। अब ध्यान रखना इस रेसिपी का सबसे प्रमुख काम यह है, अब इसको हमको कंटिन्यू चलाना है वरना दही हमारा फट जाएगा। अब इसको हमको कम से कम
चार से पांच मिनट तक इसको हमको लगातार चलाना है। ये है थोड़ी सी हींग, अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हींग, क्योंकि पहले जब डालते हैं तेल में तो हींग का जो अरोमा होता है वो उड़ जाता है। अब ये देखिए हमारी सब्जी की क्या कितनी अच्छी रंगत आ चुकी है दही के बाद, ये तेल ऊपर आने लगा है। ये देखिए चाप की डंडी को हम निकाल लेंगे, अगर डंडी अगर साफ निकलती तो समझ लेना आपकी चाप अच्छी तरह से उबल चुकी है और फ्राई भी हो चुकी है। ये देखिए आप सब्जी की रंगत देखिए आप ग्रेवी में, ये देखिए तेल देखिए। अब हम डालेंगे इसमें चाप आराम से एक एक पीस करके। अब इसको हम चाप डालने के बाद आपको हम मिलते हैं, उसको हम भूनेंगे चाप को अच्छे तरीके से। ये देखिए चाप को हमने इसमें डाल लिया है, इसको अब हम भूनेंगे। अब ध्यान रहे लो फ्लेम पर ही हमको इसको भूनना है बस। अब इसको 102 मिनट तक इसको हम भूनेंगे। अब ये देखिए स्वाद अनुसार मैं नमक डाल रहा हूँ इसमें। ध्यान रहे जो आपका चिकन मसाला है उसमें भी नमक रहता है, तो आप ध्यान से डालें और जितना आप खाते हो। देखिए ये हमने पहले उसको हल्दी के पानी में उबाला था और थोड़ा सा नमक डाला था, तो नमक आप ध्यान से डालें। अब हम इसमें पानी डालेंगे, आप अपनी ग्रेवी के अनुसार आप हदली ग्रेवी खाना चाहते हैं या लटपटी ग्रेवी खाना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है। मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगा। अब इसको हमको उबालना है, तो देखिए अब हम इस स्टेज पर थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। ये देखिए आप रंगत देखिए सब्जी की बिल्कुल नॉन वेज तरीके से लग रही है, और इसमें हम थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डालेंगे। आप चाहें तो उसको भून कर भी डाल सकते हैं या बिना भून कर भी, इसका स्वाद अच्छा ही आता है। अब इसको हम एक मिनट तक खोर उबालेंगे। ये देखिए सब्जी हमारी बन के तैयार हो गई है, ये देखिए बिल्कुल नॉन वेज तरीके से बनी है। ये देखिए अब इसको हम सर्व करेंगे। ये देखिए हमने इसको सर्व कर दिया है, थोड़ा सा इस पर हम धनिया स्प्रिंकल करेंगे और एक थोड़ा सा इसमें बटर डालेंगे। ये देखिए हमारी चाप बनकर रेडी है, बिल्कुल नॉन वेज तरीके से बनी है चाप, और इसको आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, और मेरी नेक्स्ट वीडियो जल्द आएगी।